गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया था थेविनिन थ्योरम। तो थेविनिन थ्योरम के लास्ट दो वीडियो में, पहले वीडियो में आपको थ्योरम के बारे में डिस्कस किया गया था, उसका स्टेटमेंट क्या होता है ये बताया गया था, आरटीएच क्या होता है, वीटीएच क्या होता है, आरएल क्या था, इसके बारे में डिस्कस किया। और उसी सेम डे में आपसे डिस्कस ये भी किया गया था कि टाइप वन में किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। फिर कल के दिन हमने टाइप टू न्यूमेरिकल की डिस्कशन की कि टाइप टू न्यूमेरिकल में जब लोड रेजिस्टेंस का और दो मेश के बीच में हो, ठीक। अब सर्किट हमेशा ऐसा नहीं कि दो मेश का होगा, कभी तीन मेश का होगा, कभी चार मेश का होगा, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। बस आपको इतना देखना होगा कि हमारा जो लोड रेजिस्टेंस वो कहाँ पड़ रहा है, या तो टाइप वन वाले केस में जाएगा या तो टाइप टू वाले केस में जाएगा, या तो लोड रेजिस्टेंस किसी एक आउटर मेश में होगा, या तो लोड रेजिस्टेंस किसी ऐसे जहाँ पे होगा जहाँ पे दो मेशों के बीच में। आज हम टाइप थ्री डिस्कस करेंगे। तो टाइप थ्री में ऐसा नहीं कि लोड रेजिस्टेंस कहीं नए जगह पे दिखेगा, लेकिन टाइप थ्री क्या है इसमें डिस्कस हम करेंगे कि अगर आपको ब्रिज स्टोन ब्रिज टाइप की सर्किट दिखे तो उसको हम कैसे नोडल सॉरी थेविनिन थ्योरम से उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक। तो पहले एक सर्किट हम लोग बना लेते हैं और उसको हम टाइप थ्री में समझेंगे कि अगर एक ब्रिज स्टोन ब्रिज का सर्किट दिखेगा और उसको कह रहे हैं कि थेविनिन थ्योरम से हमको एनालिसिस करना है उस सर्किट की, तो कैसे करेंगे उसको जरा समझेंगे। तो इस तरीके से हमने एक सर्किट डायग्राम बना लिया और उसके लिए हमारे लिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया है या दिया हुआ है कि कैलकुलेट करंट इन बीडी ब्रांच। तो कैलकुलेट करंट इन बीडी ब्रांच का मतलब यह है कि उस बीडी ब्रांच में कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में लिखा ना मिले, ठीक। तो आपको यह देखना है कि बीडी ब्रांच में कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, बीडी ब्रांच में कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आपका 6 ओम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद क्या करना है, हमको हमने बताया कि 6 ओम का करंट निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि इस मैटर से तीन चीज में पैसा करनी है आपको, आर टी आर टी और वी टी। तो पहचान में तो एक तो आपको पहचान में आएगी आर टी कौन सा, लेकिन बाकी तो आर टी जो वी टी से करनी है। आर टी को कहेंगे हम बार बार दो दिन से डिस्कस हो रहा है, दो वीडियो लास्ट दो वीडियो से डिस्कस हो रहा है कि लोड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है सर्किट का जहाँ पे हमको समथिंग कैलकुलेशन परफॉर्म करना है या कैलकुलेट करना है। तो हमको कहाँ पे समथिंग कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है, 6 ओम में करंट निकालना है, यानी कि 6 ओम वाला आपका क्या कहलाएगा लोड। अब हम बात करेंगे कॉर आरटीएच। कॉर आरटीएच के लिए क्या चेंजेस करने हैं आपको, सारे रेजिस्टेंस आईडी रहेंगे, बस लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल को आपको क्या कर देना है, ये माइक ए था, ये बी था, ये सी था, ये बी डी टर्मिनल को ओपन कर दिया, ए सी बी के बीच में मेरा लोड था लगा दिया, बी से सी के बीच में मेरा बी ओम रेजिस्टेंस था उसको लगा दिया, फाइव ए से डी के बीच में हमारा फाइव ओम था उसको लगा दिया, और सी से डी के बीच में हमारा फोर ओम था उसको लगा दिया।
इसके बाद ये भी बताइए कितने सोर्स से सारे को रिएक्टिवेट करते हैं, कितने सोर्स से, एक सोर्स से एक साथ रिएक्टिवेट करते हैं, तो ये सोर्स किस फॉर्म में वोल्टेज फॉर्म में, तो वोल्टेज को बताया गया था शॉर्ट में, शॉर्ट करने के लिए दोनों प्लेट को मिला देते हैं इस तरह से मिला देते हैं ठीक। अब आपको आर इक्विवेलेंट यहां से देखना है, जहां दो रेजिस्टेंस का टर्मिनल आपने ऊपर ओपन कर रखा है यहां से देखना है आर इक्विवेलेंट। तो देखेंगे हम इस पूरे सर्किट में कि ए से लेकर करके सी तक जो वायर को अटैच है, मतलब इनके बीच में कोई आपका एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमने आपको ये बताया था कि अगर कोई एक लाइन जैसे सिंपली ड्रॉ है इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में, तो इस लाइन पे मिलने वाला पोटेंशियल इस पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल इस पॉइंट ऑफ इस पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल के बराबर होगा। तो जिसकी वजह से ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट की तरह काम करेंगे जिसकी वैल्यू से, तो हमने आपको ये आपको पहले ही वीडियो में मैंने पहले शुरुआती दिनों के वीडियो में डिस्कस किया था, हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा रहे थे। तो आपको यहाँ यही समझना है कि ये और ए से लेकर सी पॉइंट को मिला दिया गया है, मतलब सिंगल वायर से जिसका रेजिस्टेंस, मतलब एक ऐसा वायर जहाँ कुछ रेजिस्टेंस नहीं, मतलब उसके वायर का रेजिस्टेंस क्या है लगभग नेगलिजिबल, तो वहाँ की उस पॉइंट के पोटेंशियल ए पॉइंट के पोटेंशियल से सी पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा, यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल जो रहेगा सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो ये दोनों पॉइंट एक सिंगल पॉइंट की तरह काम करेंगे, और सिंगल पॉइंट की तरह काम करेंगे तो इसके पॉइंट बीच में बनाएंगे जिसको कहेंगे बी और सी। एसी के ऊपर बी है बना लेते, और एसी के नीचे बी है बना लेते। अब आपको रेजिस्टेंसेस को रीअरेंज करना है इस पॉइंट के साथ, देखिए बी से ए के बीच में 2 ओम जुड़ा हुआ है, बी से ए के बीच में 2 ओम जुड़ा हुआ है ठीक, बी से सी के बीच में 3 ओम जुड़ा हुआ है, फिर ए से बी के बीच में 5 ओम जुड़ा हुआ है, और सी से डी के बीच में 4 ओम जुड़ा हुआ है, डी वाले पॉइंट से और बी वाले पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे एक एक टर्मिनल बाहर की ओर, तो बी पॉइंट से एक टर्मिनल बाहर की ओर और डी पॉइंट से एक टर्मिनल बाहर की ओर लेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या है कि हमारा सर्किट जो है वो रीअरेंज। अब आपको ए बी से डी के बीच में इक्विवेलेंट जानना है, तो आप कैसे करेंगे, तो करा करके चेक करेंगे कि यहां करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया है तो क्या रिएक्शन है दोनों आपस में, चार तो है फिर पॉइंट यहां पे सेम हो गया, और फिर डिवाइड हो गया है ये क्या रिएक्शन है, ये भी पैरेलल है क्योंकि यहां पर डिवाइड होकर फिर ग्रो करता है। अब बीच में क्या है पॉइंट ए को जा रहा है, ए को जा रहा है तो वहां पर करंट सेम है, यानी कि इसमें क्या रिलेशन है ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे इसके लिए, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या देख रहे हैं हम लोग, टू पैरेलल थ्री इन सीरीज में फोर पैरेलल फाइव, जो आर इक्विवेलेंट वही आर इस सर्किट का आरडीएच का है ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ 6/5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20/9 हो जाएगा ठीक। तो प्रॉब सिंपलीफाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9/6 = 54 और ये 100 यानी 254 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 54 हो जाएगा ठीक। ये इतना होगा रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डी एच। अब बात करेंगे डी टी एच की ठीक, यहाँ लिखें फॉर डी टी एच, डी टी एच में क्या चेंजेस करना है सर्किट में, डी टी एच में को क्या करना है सर्किट को फिर से रिड्रॉ करना है, और इस केस में क्या करते हैं कि सारे सोर्स को एक साथ क्या कर लेते हैं एक्टिव कर लेते हैं और लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर लेते हैं, और उसी ओपन टर्मिनल पे मिलने वाला जो वोल्टेज है उसी को ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाता है, और उसी ओपन सर्किट के उस वोल्टेज को इस मेथड में नाम दे दिया गया है थेवेनिन वोल्टेज ठीक। तो पहले सर्किट को ड्रा करेंगे इस तरीके से, दिखेगा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस से जा रहा है, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये था 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 ये था
जैसे बीसीसी के बीच में जीरो है और इसके बीच में फाइव है सीसीबी के बीच में और एसीबी के बीच में जीरो है, क्या गलत हो गया? यहाँ फोर ये फोर है ये फाइव और एसीसी के बीच में फोर्थ जीरो है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू हमारे पास है 15 अब सर्किट में आपके पास एक में से यहाँ बन रहा है, एक में से यहाँ बन रहा है, एक में से तीन में बन रहा है कि साइडवेज के समान लेते हैं मेष वन मेष टू और मेष थ्री। लेकिन मेष हमने आपको बताया था जहाँ पर जब तक सर्किट क्लोज ना हो तब तक वो मेष नहीं रहा था, लेकिन हम एक उसको एज्यूम कर रहे हैं लगभग ये तो हमने जो कल डिस्कस किया था कि अगर दो मेस के बीच में आपका आरएल पड़े और जहां पे आपको बीटीएस का कैलकुलेशन करना है तो उसको इंडिविजुअल मेस की तरह नहीं देखते, मतलब इसको अलग इस तरीके से नहीं देखते, वहां पे कैसे देखेंगे? वहां पे दोनों मेस को कंबाइन करके देखेंगे, कंबाइन करके देखेंगे और पूरे में आर एल देखेंगे, यानी कि इसको कैसे देखेंगे? आई की तरह नहीं देखेंगे, ये देखेंगे तो गलत देखेंगे, कैसे? आई की तरह, आई की सबकी वैल्यू क्योंकि आई वो पूरे क्लोज इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले के लगा ठीक है, यहां पाई के लिए इन ब्लू ए बी सी इसे लगाते हैं, माने टू से स्टार्ट करते हैं माइनस टू आई माइनस थ्री आई, अब बात करेंगे फोर क्या है? रामन है माइनस थ्री के साथ और फाइव क्या है? माइनस थ्री के साथ रामन है, फोर को दो बार लिखना है, एक बार अपने मिस की करंट के साथ, एक बार जिससे रिलेट कर रहा उसके साथ, इसी तरह फाइव को भी एक बार जिस मिस के नासिस करे उसके करंट के साथ, एक बार जिसके साथ वो रिलेट कर रहा, मतलब जिस में जिस दूसरे में से भी वो हटाए से उस मिस के करंट के साथ, इसी तरह माइनस टू आ रही प्लस टू आ रही माइनस फाइव आ रही प्लस फाइव आ रही इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा और सॉल्व करें माइनस फाइव आई टू प्लस फाइव आई इसी तरह माइनस फोर आई टू प्लस फोर आई और फिर ये माइनस प्लस फोर आई प्लस फोर इक्वल टू जीरो कर लेंगे। अभी कितना हो जाएगा? नाइन आई टू माइनस नाइन आई टू ठीक इक्वल टू माइनस फिफ्टी, कितना हो जाएगा? नाइन आई टू माइनस I
क्लियर है, यहाँ पे माइनस नाइन आई और प्लस नाइन आई, तो यहाँ पे प्लस फिफ्टी था तो माइनस हो गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये करेंगे एक आम साधी इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन वन और टू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आई वन और आई टू की इक्वेशन कुछ आई थ्री और आई की इक्वेशन कुछ वैल्यू मिलेगी एंड किया I3 और I की क्या वैल्यू मिलेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी समथिंग एम्पीयर में। तो कौन सी इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन वन की बात करें और इस इक्वेशन की। तो अभी कैलकुलेटर तो हमारे पास उपलब्ध नहीं, लेकिन आप इतना सिंपली इक्वेशंस कर सकते हैं जिसमें आपका क्या है, दो अननोन डाटा है जिसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से 8, 9, 10 में ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे दो अननोन वैल्यूज को निकाले जाते हैं दो इक्वेशंस। ये आप सॉल्व करने के बाद आप डिस्कस करेंगे कि हमको अभी वीओसी निकालना है, लिखे ना पर बीटीएच वीएटी बीटीएच मतलब वीओसी डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम आई पी आई निकाल रहे हैं, तो हम इसका एक आप वीओसी निकाल के करेंगे। ठीक, अब लिखेंगे फॉर वीओसी अप्लाई केवीएल कल हमने बताया था जब बीच में पड़ेगा तो किसी एक में चाहे इस तरफ कर लेंगे। तो पहले इन इसमें पहले आप लगा लेंगे ए बी डी ए, इसमें लगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस टू आई प्लस माइनस और माइनस बी ओ सी फिर माइनस फाइव आई फिर ये अटैच है घर से तो क्या हो जाएगा आपका फाइव आई तो जीरो यू सी घर चला जाएगा जो भी हमको जैसे भी देखना होगा उस दोनों पॉइंट की कितना दूरी है निकालेंगे, तो
कंकोरिलेशन की थी कि सीरीज में है और बाइक से ज्यादा लिक्विड फ्री बैलर में और फोर बाइक वाले में आ दोनों आपस में सीरीज में उसको सारा के साथ कर लेंगे तो बैलर को मिलावट की थी तो वन टू तो वन फिफ्टी फोर या वन फोर्टी फाइव ये जो भी है क्या हुई आज इस पर है। अब हम बीटीएस के लिए सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो बीटीएस के लिए क्या कहना रहता है कि सारे सोर्सेस को एक्टिव रखते हुए रोटेशन टर्मिनल को ओपन कर देना और उसको ओपन टर्मिनल को यूसी मान लेना है और उसके बाद सर मेसेज को पहचानेंगे। तो हमने देखा मेस को नोट किया मेस वन मेस टू मेस थ्री मेस वन जो है आपका ओपन है मेस टू भी ओपन है मेस थ्री जो था वो क्लोज है। तो अगर हम मेस वन में एक करंट आई मानते हैं तो उस करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है और मेस टू में जो करंट आई मानते हैं तो उस करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से जो सर्किट की एनालिसिस है होती है वो पूरी नहीं हो पाती। अब मेस थ्री कैसा था क्लोज है यानी कि उसमें कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू होगी इसलिए वहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ जहाँ की बात है ठीक क्वेश्चन मार्क करा हुआ यानी कि वहाँ हमको कुछ ना कुछ वहाँ कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा लेकिन यहाँ पे क्या आएगा ना कि ठीक से जीरो होगा जब जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे जो आप इस तरीके से जब देखेंगे इंटीग्रल की तरह तो वो सर्किट सॉल्व हो जाएगा। सिंपली ये भी जाना कि अगर दो मेस के बीच में आपका लोड रेजिस्टेंस पड़ता है जहाँ पे आप बीटीएस के कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल मेस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे उसको हम एक सिंगल लूप बना करके केस में एनालिसिस करेंगे तो उसकी तो एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब आप उसको पूरा टोटली सॉल्व करेंगे ठीक क्योंकि दो अननोन डाटा का आप कैलकुलेशन इजी वे में कर सकते हैं। तो इसको बस एक प्रोसेस बता दिया गया कि हम कुछ वैल्यू है जब ये वैल्यू है तो फिर हम पावरोसी के भाग के लगाएंगे तो आपको पता है यूसी जब भी मिक्स सेक्शन में पड़ता है तो किसी भी एक मेस को उठा लीजिए या तो इस वाले पार्ट को जिसको मेस वन बोलते हैं या इस वाले पार्ट को जिसको मेस टू इन दोनों में से किसी पार्ट को उठा लेंगे तो हमारा सीपीएल होगा। वहां अप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन माना गया था यूसी इक्वल टू 5 बाय 3 माइनस से होता यहां पे यहां से आई थ्री और आई ऊपर दे दे कुछ कैलकुलेशन हम कर करके कुछ समथिंग न्यूमेरिकल बन जाएगा तो उतना बोल चला तो वो सर्किट का बीटीएस होगा। और हर बार आपको हर सर्किट के एनालिसिस के दौरान इस मैटर में क्या करना है कैपेसिटी वाला सर्किट ड्रा करना है और ड्रा करने के बाद हमको उस लोड रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट कर देंगे किससे IL बराबर VTH अपॉन RTS प्लस RL तो सी समथिंग कैलकुलेशन आ गया कुछ एम्पीयर आएगा ठीक। अब उसके बाद अगर करंट तक पूछ जाता तो ठीक है अगर ये केवल कह रहा है कि ओनली ड्रॉ द थर्मिसिटी की वैल्यू सर्किट तो आप उस सर्किट को बना के छोड़ देंगे करंट पूछ रहा है तो उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। और इसके बाद अगर वोल्टेज का पावर पूछा है तो वोल्टेज के लिए आपको कल बताया गया था कि IL इंटू RL कर लेंगे पावर के लिए IL स्क्वायर इंटू RL कर लेंगे। तब तक आप लोग थोड़ी एक बार एनालिसिस गौर से कर लें जो भी कंफ्यूजन होगा तब नेक्स्ट मीटिंग तक में आपको क्लियर हो जाए। तब तक बाय बाय क्लियर आप जीपे में देखिए। Thank you.
लेकिन ये हुई हाँ लेकिन ये कौन से हैं
हम नहीं सहन करके सीधे बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरीके को देख लिया है कि इस तरीके से अगर यहाँ पे रहे तो एक बीच स्टोन बीच में मतलब सिक्स रूम जो आपका क्या है मीट आपका सेम है उसमें अगर कैलकुलेशन करना हो तो इस तरीके से करना। मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरीके से होता है, कैलकुलेट करंट इन डीसी ब्रांच, डीसी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। पहले तो आपको ये डाटा मिलाना पड़ेगा क्योंकि अब सारे डाटा बदल जाएंगे। अगर हमारा डीसी ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 ओम में क्या निकालना है हमारा आर क्या करेगा 3 ओम का है ठीक। अब इसके अगले एनालिसिस में देखेंगे आप फिर आर के स्केल क्या चेंजेस करने हैं सारे सो कुछ से छुआ है ठीक है क्या है और लोड टर्मिनल को एक बार लोड टर्मिनल कौन सा है एक बार लोड टर्मिनल हमारा ये है ठीक क्लियर है। एक बार लोड टर्मिनल आपका ये है। अब फिर से एसीसी पॉइंट अभी भी अटैच है अभी भी अटैच है तो एसीसी पॉइंट को ए बना देंगे और उसके बाद आप देखिए तो एसीसी पॉइंट को आपने अटैच कर रखा है ठीक या तो हम लोग क्या करेंगे इसमें डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे यहाँ पे आर एक्स हो जाएगा यहाँ पे आर वाई हो जाएगा या एक आर ए हो जाएगा एक आर बी हो जाएगा एक आर सी हो जाएगा या आर डी हो जाएगा तीन रेजिस्टेंस में जाएंगे आर ए की वैल्यू कैसे मिलेगा यहाँ पे डिस्कस कर लेना है आर ए की वैल्यू उनको कैसे मिलेगा तो बताया था अगर गवर्नमेंट अप्लाई करने की पानी की वैल्यू कैसा हम बा 5 + 2 + 6 यानी
स्टेकिंग पॉइंट है, तो बीस आपको यहाँ से करंट चलाएंगे ठीक, यानी कि आपको क्या लिखेगा इस केस में कि ये सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल मतलब 4 प्लस आर डी इन पैरेलल टू आर डी, और उनसे जो वैल्यू आएगा वो आर डी के सीरीज में जाएगा, इसके साथ का हमने संबंध मान लिया ठीक। अब फॉर बीटीएस, बीटीएस के लिए क्या चेंजेस करना है सर्किट डायग्राम में, यहाँ था यहाँ पर भी यहाँ टू ओम यहाँ सिक्स ओम यहाँ थ्री ओम भी होगा, इसी तरह से थ्री ओम भी होगा, और यहाँ पर आपका थ्री ओम टू थ्री में यहाँ टू ओम और ये फाइव ओम, और यहाँ पर आपका कितना होगा फिफ्टी ओम ठीक। अब इस तरीके से मिक्स वन मिक्स टू और मिक्स थ्री ठीक। इस बार जो आपका यूसी पढ़ा है वो किसी सिंगल यूसी पढ़ा है, आपका यूसी पढ़ा है, इस बार ये सोच क्या है क्लोज, इसमें क्लोज होने के कारण क्या होगा इसकी कुछ वैल्यू होगी आईक्यू जो कि वैल्यू है, और आईक्यू को करने से क्या होता है ये जीरो होगा, यानी कि इसमें करंट आई वन इसमें करंट आई टू इसमें करंट आई थ्री। तो अब हम टेबल को लगाएंगे, अगर ये ए है बी है सी है डी है ये ठीक, तो इसमें टेबल लगाएंगे एक बार इसमें हम लगाएंगे ए बी डी ए ए बी डी ए ठीक, यहाँ से कर लेंगे ए बी डी ए लगाएंगे, यहाँ से क्या लगेगा यहाँ से क्या यहाँ फाइव बटा सत्तर के साथ यदि ध्यान देना आपको माइनस टू आएगा माइनस सिक्स आई वन बीस के साथ अटैच है तो प्लस सिक्स आई वन माइनस फाइव आई वन प्लस फाइव आई टू इक्वल टू जीरो, यहाँ आई टू इक्वल टू जीरो कर लेंगे तो आई टू जीरो है, माइनस एट आई वन प्लस फाइव आई टू इक्वल टू टू में जीरो हो जाएगा, ये भी समान हो जाएगा। अब ये मेश टू है यहाँ लगता है जीरो है पता है हमको, अब मेश थ्री के लिए लगाएंगे तो मेश थ्री की किस पोर्शन में A B C A B C लगा दिए, इसमें क्या करना माइनस फाइव आई थ्री प्लस फाइव आई वन फिर माइनस फोर आई थ्री प्लस फोर आई और प्लस फिफ्टी फाइव की तरह जीरो हो जाएगा ठीक। और यहाँ भी कितना जाएगा थ्री थ्री यानी कि माइनस नाइन आई थ्री प्लस फाइव आई वन इक्वल टू माइनस फिफ्टी, तो माइनस फिफ्टी क्या करेंगे तो फाइव आई वन माइनस नाइन आई थ्री इक्वल टू क्या इसके सब कुछ का टू हो जाएगा, लेकिन आप सॉल्व इक्वेशन वन है टू सॉल्व कर लिए, आई वन आई वन आई टू आई वन दो अनोन है तो दो अनोन के समथिंग वैल्यू आ जाएगी, आई वन की समथिंग एमपी है इसी तरह आई थ्री की समथिंग वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको यही जो अनोन है आई वन और आई टू आई टू असल आई वन और आई थ्री इसकी वैल्यू जब फिट करेंगे आई टू तो पता है जीरो, फिर के लिए लगाने के लिए पर हम यहाँ लगाएंगे फाइव पर भी उसे अप्लाई के लिए अब के लिए कौन लगाएंगे सिक्स है, ये हिस्सा कौन सा है बी सी डी बी इसलिए लगाएंगे इसके अनुसार क्या लिखेंगे देखिए जरा माइनस बी ओ सी फिर इधर माइनस फोर आई टू आई टू के साथ अटैच है कॉमन है तो प्लस फोर आई टू फिर माइनस सिक्स आई टू प्लस सिक्स आई टू इक्वल टू जीरो, यहाँ आई टू कितने में जीरो बता दोगे ठीक, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि मेरे दो क्वेश्चंस हैं उनमें से करंट की वैल्यू जीरो और आई वन और आई थ्री हमने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो यहाँ भी कोई उसी पर आ जाता है और वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर आई थ्री कर देंगे
उसके बाद थर्मल सिटी वाला सर्किट आप बनाएंगे। थर्मल सिटी वाले सर्किट में आर जी सर्किट को सही करते हैं और फिर लोड करने के लिए हमें लोकेशन को यहाँ पर लाकर लगा देंगे और एक बार लोकेशन की वैल्यू कितनी है वहाँ देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद डाटा पुट कर देंगे। डाटा पुट करने के बाद हमारा समथिंग इंडियन करंट लगाएगा लोड रेजिस्टेंस का करेंट। ठीक ठीक, तो इस तरीके से अगर हमको इस पार्ट में पूछता तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसमें पूछेगा तो कैलकुलेशन करेंगे मतलब ब्रांच रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस बना करके पूछेगा तो कैसे करेंगे और डायगोनल रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस बना के पूछेगा तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। उस दोनों तरीके को आपको बता दिया गया। ठीक, इस तरह से आरडीएस का कैलकुलेशन, इस तरह से वीडीएस का कैलकुलेशन और जो आरडीएस और वीडीएस का कैलकुलेशन करने के बाद थर्मिसिटी को कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो हमने आपको बताया कि क्वेश्चन हमेशा दो टाइप से पूछता है। क्वेश्चन एक बार कहता है कि ड्रॉ द थर्मल इक्विवेलेंस सर्किट और दूसरा कहता है कैलकुलेट करंट इन द लोड रेजिस्टेंस। तो ड्रॉ द थर्मल इक्विवेलेंस सर्किट कहेगा तो आपका यही आंसर बन जाएगा कि फाइंड और ड्रॉ करने के लिए नहीं भी कहता है आपसे क्वेश्चन में तो अभी आप ये ड्रॉ करने के बाद ही ये डाटा कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तभी ये आपका लोड रेजिस्टेंस का लोड रेजिस्टेंस में लोड करंट कैलकुलेट होगा। ठीक, क्योंकि इसी सर्किट डायग्राम से ये फार्मूला रिलेट करेगा, वो सर्किट डायग्राम आया था ही नहीं है सर कि जहाँ से ये फार्मूला रिलेट करे, तो जब ये सर्किट डायग्राम बना देंगे तो फार्मूला रिलेट कर जाएगा। वो फार्मूला जो भी आपका कह रहा था अगर बना दो VTH अपॉन RTH प्लस RL, तो वहाँ पे डाटा फिट कर देंगे और डाटा फिट करने के बाद हमारा लोड करंट आ जाएगा। फिर हमने बताया कभी कभी लोड करंट की जहाँ क्या पूछ लेता है पावर वोल्टेज पूछ लेता है कि लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस का पावर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो आपको सिंपल वे बताया गया कि आपको आरएल इनटू आरएल कर लेना है। जब पावर पूछेगा तो उस टाइम आपको क्या कर लेना है आरएल स्क्वायर इनटू आरएल कर लेना है। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपका वीक वोल्टेज के सर्किट पे आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एक टाइप और बाकी रह गया कि अगर किसी ब्रांच में या डायगोनल में क्या कर दे एक एडिशनल सोर्स दे दे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।